अरे यार, अब तक तो शिनचैन भी स्कूल चला गया होगा। पता नहीं मैं अकेला क्या करूंगा, आज तो बोरी होना पड़ेगा। एक मिनट, ये क्या? शिनचैन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें तो स्कूल में होना चाहिए था। अरे होना तो चाहिए था, पर आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। अगर फ्रैंकलिन भैया को पता चला ना तो वो बहुत डांटेंगे। अरे यार चौप, मुझे स्कूल में बहुत घंटाला आता है। एक काम करूंगा, कल चला जाऊंगा। ये कल वाला बहाना तो तुम बहुत बार देते हो। अरे जरा मेरी बात को समझो, मैंने अपना होमवर्क नहीं किया है, मिस मुझे बहुत चिल्लाएगी। अच्छा तो ये बात है, पर तुम एक होमवर्क के लिए स्कूल थोड़ी मिस कर सकते हो। अरे मैंने तुमसे कहा ना, मुझे स्कूल नहीं जाना मतलब नहीं जाना। और तुम्हें मेरी कसम है, तुम्हें मेरा साथ देना होगा। जल्दी से मुझे कहीं पर छुपा दो, इससे पहले फ्रैंकलिन भैया आ जाए। गाइस यार, पता नहीं शिनचैन कहाँ चला गया है। वो हमेशा स्कूल बस आने से पहले कहीं छुप जाता है। यहाँ पर भी नहीं है, रसोई में भी नहीं है, पता नहीं कहाँ होगा, कहीं बाहर तो नहीं छुपा। यहाँ पर देखते गाइस, यहाँ पर भी नहीं है यार, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो नीचे हो। शिनचैन कहाँ पर है तू? अरे पापा ये क्या, ऐसा लग रहा है कि फ्रैंकलिन भैया नीचे ही आने वाले है। चुप, जल्दी से कुछ करो। अरे यार तुमने तो फंसा दिया है, एक काम करो मेरे घर में छुप जाओ। अरे हाँ ये एकदम ठीक रहेगा, तुम फ्रैंकलिन भैया को संभाल लेना, मैं जा रहा हूँ तुम्हारे घर में। जल्दी से नीचे जाते गाइस। एक मिनट, चुप बाहर से आ गया। गाइस इसको पक्का पता होगा, इसी से जाके पूछता हूँ। एक काम करता हूँ, यही से नीचे उतर जाता हूँ। ओ भाई साहब, चुप यार, तूने शिनचैन को कहीं पर देखा है? अरे कौन सा शिनचैन, कैसा शिनचैन? सुबह कोई नशा करके आया क्या? अपना शिनचैन जिसके साथ तू रोज रहता है। अरे हाँ हाँ, नहीं नहीं मैंने कहीं पर नहीं देखा उसे। अरे यार ये चौप इतना डर क्यों रहा है, ये पक्का मुझे फंसाएगा। चौप यार, शिनचैन की स्कूल बस आने वाली है और वो पता नहीं कहाँ पर चला गया है। चलो हम लोग बस पहुँचने ही वाला है और ये आ गया शिनचैन का घर। चलो चलो शिनचैन, जल्दी से बस में चढ़ो। एक मिनट, ये का वो तो यहाँ पर है ही नहीं। ये बच्चा हमेशा मुझे लेट करवाता है, मुझे और भी बच्चों को उठाना है और स्कूल लेके जाना है। शिनचैन जल्दी आओ। अरे ये क्या, मुझे लगता है मेरी स्कूल बस आ गई है। चौप तूने सुना, लगता है शिनचैन की स्कूल बस आ गई है। मैं जाके उन्हें संभालता हूँ, तब तक तुम शिनचैन को ढूंढो। अगर तुम्हें नहीं मिला ना तो मुझे इशारा कर देना, मैं कोई ना कोई बहाना बना दूंगा। गाइस यार जल्दी जल्दी जाते हैं, पता नहीं मैं बस वाले को कैसे रोकूंगा। ये देखो ये खड़ा। और अंकल कैसे हो, सब ठीक तो है ना? अरे यार हमारा छोड़ो, शिनचैन कहाँ पर है? अरे यार शिनचैन का छोड़ो ना, आपको देखे कितना टाइम हो गया, कहाँ थे इतने दिन? बचुआ तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? हम तो रोज शिनचैन को लेने आता हूँ। अरे हाँ हाँ, मतलब आप ही आते हो क्या? मैंने तो आपको पहचाना ही नहीं। लगता है शिनचैन की तरह इसका बड़ा भाई भी पागल है। पता नहीं यार चौप अभी तक कुछ बोल क्यों नहीं रहा है, मैंने ज्यादा देर नहीं रोक सकता। अरे यार मैं तो धर्म संकट में फंस गया हूँ, पर मुझे शिनचैन की बात माननी पड़ेगी, उसने मुझे कसम दी है। फ्रैंकलिन भैया को झूठी बोलना पड़ेगा। फ्रैंकलिन भैया शिनचैन नहीं मिल रहा है। अबे यार, अरे दादा मैं क्या बोल रहा था, वो शिनचैन का पेट खराब है तो वो स्कूल नहीं आ पाएगा। अरे तो तुम हमको पहले नहीं बता सकते थे, हमें और भी बच्चों को लेने जाना है, तुम्हारे वजह से लेट हो जाएगा। अगली बार ऐसा कुछ हो तो मुझे फोन करके बता देने का, फालतू में हमारा टाइम खाया। मुझे लगता है शिनचैन का घर ही पागल है पूरा। लगता है बस चली गई है। शिनचैन सुनो, तुम बाहर आ सकते हो। अरे बच्चों तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी मदद की। अरे मदद वदद छोड़ो, फ्रैंकलिन भैया को पता चला ना तो मैं तो गया। एक और दिन शिनचैन ने स्कूल मिस कर दिया। पता नहीं उसको स्कूल से क्या प्रॉब्लम है, ऐसा ही करता रहा ना तो वो कुछ भी नहीं सीख पाएगा। चौप यार कहा जा सकता है शिनचैन। एक मिनट शिनचैन कहाँ पड़ता तू, कब से ढूंढ रहा हूँ मैं तुझे। अरे फ्रैंकलिन भैया वो मुझे जोर से पॉटी आई थी ना, इसलिए मैं वॉशरूम गया था। ये सब तो तू रहने ही दे, हमेशा तेरी स्कूल बस के टाइम पे तुझे पॉटी आता है, तेरा पेट खराब हो जाता है, तू ये सब कब छोड़ेगा? गई ना अभी स्कूल बस। अरे क्या बात कर रही हो, मेरी स्कूल बस चली गई। चले कोई बात नहीं, अब मैं कल चला जाऊंगा। और मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं कब से वॉशरूम में ही था। अरे क्या बात कर रहे हो शिनचैन, मेरे डॉग हाउस में वॉशरूम भी है, फालतू में मैं रोज बाहर पॉटी करता हूँ। क्या एक मिनट, इसका मतलब तू चौप के घर में था? चौप तूने इसकी मदद की, तुम लोगों को शर्म नहीं आती? अरे नहीं नहीं प्लीज फ्रैंकलिन भैया माफ कर दो, मैं फंस गया था, शिनचैन ने मुझे अपनी कसम दे दी थी। ये देखो यहाँ पर भी पॉटी कर दी। चौप तुमने तो मुझे फंसा दिया। फंसेगा तो तू अब बेटा, तेरा बहुत हो गया है, तुझे स्कूल नहीं जाना ना, अब तो तू स्कूल के साथ एक्स्ट्रा क्लास भी जाएगा। अबे यार अब किसका कॉल आ रहा है, टोनी? हाँ बोल भाई। फ्रैंकलिन मेरी बात सुनो, जल्दी से जल्दी यहाँ पर आ जाओ, एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। अरे पर वर कुछ नहीं, तुरंत पहुँचो। अच्छा ठीक है यार, क्या मचमच है यार। तुम दोनों मेरी बात सुनो, हमें अभी के अभी टोनी के घर पर जाना है। अरे टोनी भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने अभी कॉल किया। शिनचैन भूल जा कि मैं कुछ नहीं करने वाला, तेरी एक्स्ट्रा क्लास तो लगवाऊंगा ही, अब आ जाओ मेरे पीछे जल्दी से। मैं थक गया हूँ गाइस इन दोनों से, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। अब आओगे कि यहाँ पर भी लेट करना है? अरे नहीं नहीं ये लो मैं आ गया हूँ। चौप बैठ जा भाई। अरे साइड में देखो। ओ भाई बाहर बाहर बच गया। वैसे एक बात बताओ ना, आप टोनी भैया के घर पर जा क्यों रहे हो? देख ना मैं तेरे को कुछ बताने वाला हूँ, ना ही शिनचैन को। अरे क्या यार फ्रैंकलिन भैया आप तो अभी तक गुस्सा हो। अभी तक नहीं, हमेशा गुस्सा रहूंगा इस बात के लिए। अब अपना मुंह बंद कर, हम लोग पहुंच गए, जल्दी से उतरो। पता नहीं
नहीं यार, टूनी ने इतना अर्जेंट क्यों बुलाया हमें, जल्दी से अंदर जाते हैं। वो रहा, ले भाई मैं आ गया हूँ। तुमने इतना टाइम कैसे लगा दिया, मैंने तुम्हें कब का बुलाया था? तो भाई यहाँ तक पहुँचने को टाइम भी लगता है ना, मैं तो रोड से आता हूँ, तेरी तरह उड़ के तो आता नहीं। अब ये बता के हुआ क्या? दरअसल इंडिया में मेरा एक दोस्त रहता है जिसका नाम कृष्णा है, और वो भी हमारी तरह एक सुपर हीरो है। वहाँ पर उसे लोग कृष कहते हैं। वो कुछ दिनों पहले मुझसे मिलने आने वाला था, पर यहाँ पर पहुँचा ही नहीं। आज सुबह सुबह मेरे सैटेलाइट से मुझे एक मैसेज मिला है। मैसेज? कैसा मैसेज? और वो ठीक तो है ना? नहीं, वो ठीक नहीं है। तुम्हारे राइट साइड में टीवी लगी है, तुम उसमें वो मैसेज देख सकते हो। जरा देखे तो सही गाइस, ऐसी भी क्या गड़बड़ है। टूनी मेरी बात सुनो, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। काल ने मेरी सारी ताकतें ले ली है और उसने मुझे किडनैप कर लिया है, पर तुम्हें जादू को ढूंढना होगा। अरे नहीं, छोड़ दो मुझे। तुम ये मैसेज किसे भेज रहे हो? याद रखो, इस चीज का कोई फायदा नहीं है, कोई मेरे सामने नहीं टिक पाएगा। ओ भाई साहब, तुम्हारे दोस्त की तो हालत खराब थी, और वो टीन के डब्बे जैसा दिखने वाला कौन था? मुझे लगता है वो कृष का दुश्मन होगा। पर तुमने एक बात नोटिस की, उसने किसी जादू का नाम लिया है। अरे मने तो लागे छे वो काला जादू नी बात करे छे। अरे क्या बात कर रही हो, जादू के भी कलर होते है? फिर तो मुझे लाल वाला जादू सीखना है। अबे यार बकवास बंद करो, मुझे नहीं लगता वो उस जादू की बात कर रहा था। तुम एकदम सही कह रहे हो, अगर तुमने ध्यान से सुना होगा तो उसने कहा था कि जादू के पास जाओ। इसका तो एक ही मतलब है, जादू कोई बंदा है या फिर कोई जानवर है, मुझे नहीं पता क्या है, पर वो जो कोई भी है वही हमारी मदद कर सकता है। पर हम लोग उसे ढूंढेंगे कैसे? वो तो मुझे भी नहीं पता, पर वो हम इंडिया में किसी न किसी से पता कर ही लेंगे। तब तक तुम यहाँ से निकलो, जैसे मुझे पता चलेगा मैं तुम्हें बता दूंगा। अगर फ्रैंकलिन जादू को ढूंढने जाएगा तो हम क्रिश को ढूंढने जाएंगे। हल्क भी चलेगा तुम्हारे साथ। ए मुपन, जब सब लोग जा ही रहे हैं तो हम कैसे पीछे रहे? चलो ये तो बहुत ही अच्छा है, तुम लोग क्रिश को ढूंढो, मैं शिनचैन और चॉप जाते जादू को ढूंढने। जैसे कुछ पता लगे कॉल कर देना। गाइस यार जल्दी से चलते फटाफट, पता नहीं वो हमें कहाँ पर मिलेगा। फ्रैंकलिन भैया जल्दी से गाड़ी को चालू करो। जल्दी से टर्न लेते गाइस और यहाँ से निकलते हैं। पता नहीं टोनी को कब तक पता चलेगा। और मुझे तो समझ में नहीं आ रहा जादू कैसा नाम होता है। अरे छोड़ो ना, आपको उससे क्या करना है? हाँ आपने सुना नहीं क्या, वही हमारी मदद कर सकता है। एक मिनट, दोनों जन चुप रहो, टोनी का कॉल आ रहा है। फ्रैंकलिन मेरी बात सुनो, मुझे जादू के बारे में पता चल चुका है। वो एक एलियन है, दूसरे ग्रह से आया है। मैं तुम्हें उसकी लोकेशन भेज रहा हूँ। अच्छा ठीक है, चलो गाइस लोकेशन भी आ गई है, जल्दी से वहाँ पर पहुँचते फटाफट। गाड़ी को फुल स्पीड में भगाता हूँ। देखो गाइस लोकेशन तो यही की थी। अबे यार यहाँ पर तो गेट है। अरे मैं तो बोलता हूँ तोड़ दो। अच्छा ठीक है। ओ भाई साहब जरा यहाँ की हालत तो देखो, यहाँ का तो पूरा मौसम बिगड़ा हुआ है। मौसम को गोली मार यार, यहाँ तो कोई नजर ही नहीं आ रहा। जल्दी से उतरो सब लोग, ये जगह तो पूरी तरीके से खाली है। मुझे लगता है टोनी ने गलत लोकेशन भेज दी है, अब हम उसे कहाँ पर ढूंढेंगे? एक मिनट, अबे वो चोटी के लास्ट में क्या कर रहा है, कहीं वो सुसाइड करने तो नहीं जा रहा? रुक जाओ भाई, ऐसा मत करो, ये बहुत ही गलत है। एक मिनट, ये किसकी आवाज थी, तुम कौन हो? अबे यार ये तो बहुत ही अजीब सी चीज है। भाई साहब ये आप क्या करने जा रहे थे? नहीं नहीं, तुम्हें गलत फहमी हो रही है। दरअसल मेरा एक दोस्त है, वो दो तीन दिन से गायब है, उसका नाम कृष है। मैं उसी को ढूंढने के लिए पहाड़ों पर आया था। एक मिनट, क्या इसने कृष का नाम लिया? इसका मतलब यही जादू है। भाई यार हम लोग कब से तुझे ही तो ढूंढ रहे हैं। कृष ने उस क्लिप में तुम्हारा ही नाम लिया था। एक मिनट, क्या तुम कृष को जानते हो? तुम्हें पता है वो कहाँ पर है? नहीं पता तो नहीं है, पर इतना पता है कि उसे किसी ने किडनैप कर लिया है, और वो जो कोई भी है ना टीन के डब्बे जैसा दिखता है। ये तुम क्या बोल रहे हो, इसका मतलब ये काल का काम है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अरे तुम क्या मदद करोगे, अभी तक बारिश आई भी नहीं है और तुम पहले से ही बचने के लिए रेनकोट पहन के खड़े हो। अरे नहीं नहीं चौप, मुझे लगता है ये इसका कॉस्ट्यूम होगा। तुम दोनों बकवास बंद करोगे या नहीं? जादू यार तू मुझे बता कि तू मेरी मदद कैसे करेगा। मैंने क्रिश को भी पावर दी थी, मैं तुम्हें भी दे सकता हूँ, पर अभी धूप नहीं निकली है, मुझे धूप से पावर मिलती है, इसलिए मैं तुम्हें बहुत ही कम पावर और बेसिक लेवल का सूट दे पाऊंगा। चलेगा भाई, तू जो देगा वो चलेगा, अब बस वहीं पर खड़े हो जाओ। अच्छा ठीक है, ये जगह ठीक है। अब ये लो मिलना मान। ओ भाई साहब, गाइस यार ये कैसा कृष है, ऐसा लग रहा है मैं कोई इविल स्पिरिट बन गया हूँ, इससे मैं उसे हरा पाऊंगा। तुम चिंता मत करो, तुम अपने सूट को यहाँ से अपग्रेड कर सकते हो। अच्छा ठीक है, शिनचैन चॉप मेरी बात सुनो, तुम लोग जादू को लेके टोनी के घर पर जाओ, मैं जाके देखता हूँ कि कृष कहाँ पर है, जैसे मुझे कोई खबर मिलेगी मैं तुम्हें बता दूंगा। गाइस यार अब यहाँ से जल्दी निकलना पड़ेगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उस काल को कैसे मारूंगा। यही बोला था ना जादू ने, नाम भी बहुत खतरनाक है। अबे यार अब किसका कॉल आ रहा है? एक मिनट, कॉल नहीं है, ये तो मैसेज है। क्या लिखा है? लॉस सेंटोस में होने वाला है मॉन्स्टर फाइट मैच, और उस पर इनाम है पूरे $50,000 का। गाइस यार ये तो अपने काम की चीज है, जल्दी से जाते वहाँ पर। देखो यहाँ पर मैं पहुँच तो चुका हूँ। ओहो जरा देखो तो सही, यहाँ तो पूरी तैयारी हो रखी है, ऑडियंस भी बहुत ज्यादा आई है। मुझे लगता है यही यहाँ के ऑर्गेनाइजर होंगे, इससे पूछता हूँ। सर मुझे भी इसमें पार्ट लेना है। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया, तुम तो एक बच्चे लग रहे हो, और आज जिससे फाइट होने वाली है वो एक मॉन्स्टर बनी है। अरे यार आप उसकी चिंता मत करो, बस मेरा नाम लिख दो।
दो। ठीक है मुझे क्या, जाओ जाकर लड़ो और मरो, फिर मुझे मत कहना। हाँ ठीक है, आपको कुछ नहीं कहूंगा। चलो गाइज अब जाते हैं रिंग के अंदर, पता तो चले फाइट किससे है। अब है यार जरा देखो तो सही, ये तो सच्ची में बनी जैसा दिख रहा है। एक मिनट, क्या तुम लड़ोगे मुझसे? हाँ भाई मैं ही लड़ने वाला हूँ। फिर आ जाओ, आज तो मजा ही आ जाएगा, मेरे हाथ में बहुत खुजली हो रही थी। आ जा भाई फिर तेरी खुजली मिटाता हूँ, ये ले। हाँ नहीं तो इससे तो मुझे गुदगुदी भी नहीं हुई, पर तुम्हें होगी, ये लो। गाइज यार ये तो बहुत जोर से मार रहा है, कुछ और करना पड़ेगा। ये गया, मार नहीं सकते, गिरा तो सकते है ना। इसको कुछ ज्यादा ही मस्ती चढ़ रही है, अभी बताता हूँ इसे, ये ले। तेरी तो दूर हट मुझसे, ये ले और ये खा, इससे मुझे कुछ नहीं होगा। पर तू तो गया। गाइस यार आउच, अबे यार ये तो बहुत ज्यादा ताकतवर है, पर अब मेरा दिमाग खसक रहा है। आजा अब बताता हूँ तुझे। फिर ये ले, मार जितना मारना है, मेरा दिमाग खसकते ही जा रहा है। गाइस यार बहुत हो गया, अब तो ये गया। ये क्या, एक ही फाइट में और उसी के साथ गाइस हमें मिल गए पूरे $50,000। जरा देखे तो सही कौन सा सूट मिलता है इसमें। ये खोला मैंने मार्केट और ये बाय। वो हो हो, अब जाके मैं लग रहा हूँ क्रिश जैसा। चलो भाई अब आगे जाते हैं, हमें इस सूट को और भी अपग्रेड करना है। एक मिनट, ये क्या पोस्टर लगा हुआ है, क्या लिखा है? एक रैंप रेस होने वाली है, जीतने वाले को मिलेगा $1,00,000 का इनाम। ओ भाई ये काम की चीज है गाइस, जल्दी से पहुँचते वहाँ पर, लोकेशन ज्यादा दूर नहीं, हम लोग कुछ ही देर में पहुँच जाएंगे। देखो हम लोग आ गए यहाँ पर। सर यार मुझे जल्दी से बताओ क्या करना है। हाँ हाँ बता रहा हूँ, ये एक सिंपल सी रेस होने वाली है, पर आसान नहीं। ये रेस होगी 4 लेवल में। पहला लेवल गाड़ी से पार करना है, दूसरा मॉन्स्टर ट्रक से, तीसरा होगा बाइक से और चौथा जेट स्की से। रैंप तो तुम देख ही सकते हो, काफी लंबी चौड़ी है। ओके तो गाइस यार कौन सी गाड़ी ले, ये वाली ठीक रहेगी, तो इसके साथ अपनी रेस होने वाली है। चलो वो भी गाड़ी में बैठ चुका है, अब बारी है तैयार होने की और ये हम चले। हो गाइस ये भी हमारे बाजू में। अबे नहीं नहीं यार, स्टार्टिंग में बैलेंस बिगड़ गया। कोई नहीं, सीधी करनी है बस गाड़ी, इसकी तो मैं छोड़ूंगा नहीं। आगे निकल गया, गाड़ी को फुल स्पीड में भगाते हैं। मैं इससे आगे निकल गया हूँ, ये हुई ना बात गाइस। अबे यार ये तो एग्जैक्ट पीछे, इसका तो बैलेंस ही चूक गया है। कोई नहीं, अबे मुझे टक्कर क्यों मार रहा है, पागल हो गया है क्या? अबे यार ये गाड़ी से निकल क्यों गया, लगता है पहला लेवल यहीं पर खत्म होता है। मुझे भी जल्दी इसके पीछे जाना होगा वरना ये आगे निकल जाएगा। रुक जा तेरी तो मैं आ रहा हूँ फटाफट। गाइस यार ये क्या, जरा देखो तो सही, वो तो मॉन्स्टर ट्रक में बैठ भी गया है। अबे यार वो निकल गया, मैं गाड़ी में तक नहीं बैठा। चल चालू हो जा। हां चलो स्टार्टिंग में ही ढलान। कोई नहीं, यहाँ पर थोड़ी सी स्लो हो गई है और ये फाइनली ऊपर पहुंचे। अबे यार यहाँ तो इसे ओवरटेक भी नहीं कर सकता। ओ भाई नहीं, नीचे नहीं। चलो, सीधा चलना है, कहीं टकराना नहीं है। अब यहाँ से एक बड़ी सी जंप है। अबे यार यहाँ तो बॉल भी बाउंस हो रहे थे। नहीं, नीचे नहीं जाना। नहीं, चलो अब यहाँ से होते हुए नीचे जाना। यहाँ से मुझे बाइक दिख रही है गाइस। अबे नहीं यार, बाइक देखने के चक्कर में क्या हो गया? वो भी ठीक हमारे पीछे ही है। हम जल्दी से ट्रक को रोकते हैं और जाके अपनी बाइक लेते हैं। एक मिनट, वो भी पहुंच गया है। इस बार उसे आगे जाने नहीं दूंगा, क्योंकि जब पतले रास्ते आते हैं ना तो मैं इसे ओवरटेक भी नहीं कर पाता हूँ। और आप लोग देख ही सकते हो यहाँ तो चलना भी थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। अभी जेट से होते हुए हमें सीधा नीचे जाना है। ओ गाइस ये ढाल तो बहुत ज्यादा ही सीधी है, मेरी गाड़ी को ज्यादा स्पीड हो गई। नहीं, आउच 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 यार। अबे नहीं यार ये फिर से आगे निकल गया, ये हो क्या रहा है मेरे साथ? बाइक को थोड़ी स्पीड बगाना होगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। इसने तो जब मार ली है मैं भी मारता हूँ जल्दी से। हवा में इतनी सारी व्हील किसने रखी? गाइस हमारी लैंडिंग होने वाली है। चलो, एकदम कांटे की टक्कर है, हम लोग बराबर चल रहे हैं अभी भी। जाके फटाफट से अपनी जेट्स की लेते हैं और ये मैं बैठ गया, ये भी आ गया है। अबे नहीं ये तो निकल गया, इसको देखने के चक्कर में फिर से मैं पीछे रह गया। वाह सोने पे सुहागा। अबे यार आगे जाने दे जल्दी से। एक काम करता हूँ, यहाँ से होकर चला जाता हूँ, ये ठीक रहेगा। देखो अभी भी ज्यादा दूर नहीं है, हम लोग थोड़ी सी स्पीड भगाएंगे ना तो उसे आगे जा सकते हैं। एक लहर आने दो, सीधा जंप मार के ऊपर से जाऊंगा मैं और ये। अबे यार बच गया और ये वापस से। गाइस यार उसके ऊपर से निकल गया मैं। बस फिनिश लाइन आ ही गई है, अब मैं हार नहीं मान सकता और ये हम लोग जीत गए। थोड़े से के लिए बच गए यार। चलो कोई नहीं गाइस, हमारे पास इनाम भी आ चुका है पूरा $1,00,000। जरा देखे तो सही हमें कौन सा सूट मिलता है। ये खोला मार्केट और ये बाय। ओ ये तो काफी बल्कि है और अच्छा भी लग रहा है, ऐसा लग रहा है इसका एक आम रोबोटिक है। अब फटाफट जाते गाइस यहाँ से और देखते मैं सूट को और कैसे अपग्रेड कर सकता हूँ। अबे यार अब किसका कॉल आ रहा है, जल्दी से उठाते हैं। फ्रैंकलिन जल्दी से बात सुनो, शहर के बीचों बीच एक बिल्डिंग में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ है और वो बिल्डिंग नीचे गिरती ही जा रही है। क्या बात कर रहा है? गाइस यार ये तो मुसीबत वाली बात है, हमें जल्दी जल्दी जाना होगा। एक काम करता हूँ ये गाड़ी लेके जाता हूँ, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, वो जगह बहुत दूर है, हम लोग शहर से काफी दूर है यार। चलो चालू हो गई, फटाफट यहाँ से निकलते हैं। पता नहीं वहाँ कितने लोग फंसे होंगे, किस किस को खतरा होगा, जितना जल्दी पहुंचे उतना अच्छा। गाइस यार शहर में तो हम लोग पहुंच गए, पर आप लोग देख पा रहे हो वो रही वो बिल्डिंग, ऊपर तो भयानक आग लगी है यार। यहाँ पर तो बहुत सारी पुलिस आई हुई है और लोग भी बहुत है। जल्दी से गाड़ी से उतरता हूँ। ऑफिसर मुझे जल्दी अपडेट दीजिए, मैं आपकी मदद
मदद कर सकता हूँ? अच्छा ठीक है, मैं बताता हूँ। यहाँ पर एक टेररिस्ट अटैक हुआ था, उन लोगों के बिल्डिंग के ऊपर और बेस में बॉम्ब फोड़े, जिसके वजह से बिल्डिंग थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है और नीचे की तरफ आ रही है। तो आप लोग क्या कर रहे हो, यहाँ पर इतने लोग क्यों है? सबको निकालो यहाँ से, इनको खतरा है। हाँ मुझे पता है, मैंने बहुत कोशिश की, पर इससे भी बड़ी मुसीबत है, ये जो बिल्डिंग है इसके अंदर भी लोग फंसे हुए है, हमें पहले उन्हें निकालना होगा। अरे यार तो ये बात मुझे पहले बतानी चाहिए ना। गाइज हमें उन लोगों को बचाना होगा, जल्दी से जाता हूँ बिल्डिंग पे। हमें थोड़ा और स्पीड भागना होगा, थोड़ा सा और ऊपर और इस खिड़की से अंदर। ओ भाई साहब, आउच, यहाँ की तो हालत खराब हो गई है गाइज, पता नहीं वो लोग कहाँ पर होंगे। कोई है? अबे यार ये तो पूरा तहस नहस ही हो गया है, कहाँ पर होंगे वो लोग? एक मिनट, ये रहे। अबे नहीं, ये तो सच्ची में बहुत ज्यादा है, इन सबको एक साथ कैसे बचाऊंगा? एक काम करता हूँ, टोनी को पूछ के देखता हूँ, वो कोई ना कोई तो आइडिया दे ही देगा। जल्दी से कॉल करता हूँ उसे। उठा ले उठा ले उठा ले। हाँ बोलो फ्रैंकलिन। टोनी देख, तूने जहाँ पर कहा था ना मैं वहाँ पर पहुँच गया हूँ, पर एक प्रॉब्लम है, इसके अंदर बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं, कोई आइडिया दे जिससे मैं इन्हें बचा सकूँ। अच्छा ठीक है, एक मिनट रुको, मुझे तुम्हारी लोकेशन चेक करने दो। तुम्हारी लोकेशन के थोड़े दूर एक रिवर है, तुम इन सबको उसके अंदर फेंक सकते हो। अच्छा ठीक है। अबे यार अब इन लोगों को कैसे बोलूं कि तुम्हें यहाँ से नीचे फेंकने वाला हूँ, मुझे इन्हें ये काम बिना बताए करना होगा। एक काम करता हूँ, एक एक को उठाता हूँ और बारी बारी फेंकता हूँ। दीदी आप तैयार हो जाओ, मैं आपको नीचे लेके जा रहा हूँ, सब लोग यहीं पर इंतजार करना, मैं वापस आऊंगा। गाइस यार जल्दी जल्दी चलते हैं, यहाँ पर टूटी हुई खिड़की थी, ये रही खिड़की, क्या यहाँ तो पूरा ही टूटा हुआ है। अब जल्दी से दीदी को फेंकता हूँ और ये गई। बस ऐसे ही फेंकते रहना, ऐसे फेंकते रहना है, थोड़े बहुत और लोग है यार, धीरे धीरे करके सब निकल जाएंगे। और ये धीरे धीरे करते हुए सब गिरे पानी के अंदर। गाइस हमारा निशाना अच्छा था इसलिए ये लोग बच गए और तैर के बाहर भी निकल गए। चलो यहाँ का काम तो हो गया, पर मुझे बिल्डिंग के पास जाना होगा क्योंकि वो धीरे धीरे करके नीचे की तरफ आ रही है। ओ भाई साहब ये क्या, ये तो कुछ ज्यादा ही नीचे आ गई है और यहाँ के लोग अभी भी फंसे हुए। अरे ये क्या हो रहा है, लगता है हम लोग मरने वाले हैं। अब तो ये बिल्डिंग बहुत तेजी से नीचे आ रही है, लगता है आज हमारा आखिरी दिन है। एक मिनट, ये बिल्डिंग रुक कैसे गई? अबे यार रुकी नहीं है, यहाँ पर मेरी हालत खराब हो रही है। तुम्हें इस बिल्डिंग को दूर लेकर जाना होगा, तुम इसे ज्यादा देर रोक नहीं पाओगे, ये बहुत भारी है। हाँ बोल तो एकदम सही रहे हो। सब लोग दूर हट जाओ, मैं इसे उड़ा कर लेके जा रहा हूँ। गाइस यार इसमें तो बहुत ज्यादा ताकत लग रही है, मुझे अपना पूरा फोर्स लगाना पड़ेगा। और ये मैं चला, इतनी बड़ी बिल्डिंग है ये, आप लोग मुझे देख भी नहीं पा रहे होंगे, वो रहा मैं बीच में, ये जगह एकदम ठीक रहेगी, इसे समुद्र में फेंक देता हूँ। और गाइस उसी के साथ गई ये बिल्डिंग और हमारा काम हो गया, बहुत मेहनत वाला काम था यार। अबे ये क्या, इस चीज के भी मुझे पैसे मिले, वो भी पूरे $5,00,000। चलो ये तो बहुत अच्छा हुआ। अब जल्दी से जाते किनारे पर और जाके अपना सूट बदलते हैं। और ये मैं पहुंच गया, अब देखते हैं कि $5,00,000 में कौन सा सूट है। और ये बाय एकिंग क्रिश, ये वाला क्रिश तो बहुत ही खतरनाक लग रहा है यार, इसका सूट भी मस्त है, पैटर्न भी मस्त है। अब देखते आगे और क्या कर सकते हैं। अरे यार अब किसका कॉल है? थोर। हाँ बोल भाई। फ्रैंकलिन हमारी बात सुनो, हमें क्रिश की लोकेशन मिल चुकी है और उसी के साथ काल की भी। मैं जा रहा हूँ क्रिश को बचाने और तुम्हें दूसरी लोकेशन भेज रहा हूँ। अच्छा ठीक है। गाइस यार ये हुई ना बात, हमें काल की लोकेशन मिल गई और क्रिश की भी, उसने जो जगह बताई थी वो तो यही है। अबे ये क्या हुआ, यहाँ का तो पूरा मौसम अचानक बदल गया, ऐसा कैसे हो सकता है? अब ये हंसने की आवाज कहाँ से आ रही है? ओ भाई साहब, गाइस ये तो काल है ना। तुम कौन हो क्रिश के बहरूपिये, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे हरा दोगे? आजा भाई मैं तुझे ही ढूंढ रहा था। तुम्हें क्या लगा तुमने मुझे ढूंढा है, तो ये तुम्हारी गलत फहमी है, मैं खुद तुम्हारे पास आया हूँ, तैयार हो जाओ, तुम्हारी मौत तुम्हारे सामने है। गाइस यार ये क्या कर रहा है, मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है। अबे नहीं नहीं, ओ भाई साहब क्या मारा है, आउच आउच, कोई बचाओ मुझे। एक मिनट, ये आवाज कहाँ से आई, वो कौन है वहाँ पर? ये तो वही है हमारा क्रिश। चिंता मत करो भाई, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास, हम तुम्हें बचा लेंगे। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, पर यह आसपास काल है और वो बहुत खतरनाक है। तुम चिंता मत करो, हमारे दोस्त है यहाँ पर, वो संभाल लेंगे। फिलहाल तुम मुझे मेरे एक दोस्त को पैसे भेजने हैं, मुझे उसकी मदद करनी है। क्या हुआ क्रिश, हालत खराब हो गई, अब तो और होगी। गाइस यार मुझे नहीं पता ये कैसे कर रहा है, पर ये आसपास की सारी चीजों को कंट्रोल कर सकता है। ओ भाई पूरी की पूरी विंड मिल। अबे रुक जा सांस लेने दे, तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो, अब तो तुम गए। एक मिनट गाइस, हमारे अकाउंट में पैसे कैसे आए? नहीं ऐसा तो नहीं कि थोर ने क्रिश को बचा लिया है और उसने हमें पैसे भेजे हो? अब मुझे नहीं पता ये पैसे कहाँ से आए। ओ भाई साहब, गाइस जब पैसे आ ही गए तो सबसे पहले तो इससे दूर भागता हूँ, क्योंकि इस सूट के साथ तो मैं इससे नहीं लड़ पा रहा हूँ, मुझे खुद को अपग्रेड करना होगा। ये जगह ठीक रहेगी, जल्दी से अपना सूट चेंज कर लेता हूँ। देखो हमें $1,000,000 मिला है, तो इसमें कौन सा सूट मिलेगा? और ये बाय, ओ भाई साहब ये तो काफी तगड़ा है, इसका कोई फायदा नहीं, ये लो। अबे यार आउच आउच आउच, ये तो गया, अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। यहाँ पर आ, कब से मारे जा रहा है मारे जा रहा है, इसको लगा था हम लोग बहुत ज्यादा कमजोर है, पर अभी इसे पता चलेगा। ये ले, और ये गया नीचे। गाइस मुझे लगता है इसका काम खत्म। अबे नहीं आउच,
भाई मानना पड़ेगा इसमें बहुत जान है। हेलीकॉप्टर नहीं, हेलीकॉप्टर नहीं यार, अब मेरा दिमाग खसक गया। आजा भाई अब इसे बताता हूँ, ये ले और ये खा, घूम घूम के मारूंगा। और ये गया, अब गाइस फाइनल अटैक, और ये बूम। चलो फाइनली मैंने इसे हरा ही दिया है, अब इसका खेल खत्म। तो गाइस यार आज के लिए इतना ही, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, उसी के साथ हमें फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम और फेसबुक पर। मैं मिलूंगा आपसे अपने